हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मेघा और आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसी प्रॉब्लम पर जिससे हम सारी फीमेल बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं आजकल। आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से या किसी या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हॉर्मोनल इश्यूज इतने ज़्यादा हमारी बॉडी में होने लगे कि हम इस प्रॉब्लम के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। ये वीडियो हम फीमेल्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उन मेल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो हमसे कनेक्टेड है, जैसे कि हमारी फैमिली, जैसे कि हमारे हस्बैंड और फ्रेंड्स ऑल्सो। क्योंकि हम जिस प्रॉब्लम से इस टाइम निकल रहे हैं और हम जिस प्रॉब्लम में उनका सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है। मैं बात कर रही हूँ PCOD और बिकॉज के बारे में। अब आप कहेंगे PCOD और बिकॉज, यानी कि PCOS, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? जी नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये डिसीज एक ऐसी डिसीज़ है जिसकी सिम्टम्स आपको एक एक स्टेज पर पता चल जाते हैं तो आप उससे फाइट करने में थोड़ा सा मैं कहूँगी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो सिम्टम हमें पता लगने में बहुत टाइम लग जाता है और जब तक हम उन सिम्टम्स को जान पाते हैं वो प्रॉब्लम हमें पूरी तरह से जकड़ चुकी होती है। जी हाँ, आजकल 10 में से अगर मैं कहूँ तो 10 में से 7 लोगों को या 10 में से 6 लोगों को तो ये प्रॉब्लम है ही। मतलब कि पहले एक एज होता था जिस एज के बाद हॉर्मोनल इश्यूज होने शुरू होते थे हमारी बॉडी में, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो 16 से 17 साल की लड़कियों को भी हॉर्मोनल इश्यूज होने लगे हैं। और ये इश्यूज एक ऐसे इशू हैं जो कि हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना हमें इतनी आसानी से नहीं पता चलता है, इसीलिए हम इस प्रॉब्लम में इतनी जल्दी फंस जाते हैं। हम काफ़ी टाइम तक इन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमें पकड़ लेना चाहिए उन चीज़ों को टाइम रहते ही। अगर आपको पीरियड साइकिल ठीक नहीं चल रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है आपके पीरियड्स में, तो आपको उसी टाइम अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या किसी नियर बाई डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो कि आप नहीं करते हैं। हमारी फैमिली भी उस बैकग्राउंड से है कि इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर पर नहीं ले जाना पसंद करती कि हो सकता है शरीर में कमजोरी होगी, हो सकता है आपको ब्लड कम बन रहा होगा या कोई भी XYZ रीज़न देके हमको आराम से बिठा देते हैं, क्योंकि हम उस टाइम उस एज में होते हैं कि हम अपनी फैमिली को ही ज़्यादा सुनना प्रेफर करते हैं। 16 या 15 ईयर्स की लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू हो जाता है और उन्हें ये प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है, लेकिन अगर उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप इस प्रॉब्लम पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और उन्हें डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाइए। अब बात करें अगर सिम्टम्स की, तो सिर्फ एक ये सिम्टम नहीं है PCOD का। PCOD और बिकॉज के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। पहले मैं आपको उसके बीच में डिफरेंस बताना ज़रूरी समझती हूँ। बिकॉज है पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, यानी कि आपकी वो सिम्टम्स जब शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको पता लगने लग जाते हैं कि ये सिम्टम्स मेरी बॉडी में आ रहे हैं, यानी कि मैं PCOD की तरफ जा सकती हूँ, तो उसी टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए उसको वहीं रोक लेना है। लेकिन जो PCOD पेशेंट हैं उनका जो है वो पॉलीसिस्ट ओवरी डिसीज हो चुका है, दैट इज नॉट सिंड्रोम येट, दैट इज कन्वर्टेड टू डिसीज, सो दैट इज मोर डेंजरस देन PCOS। लेकिन हम अगर हम डॉक्टरों की सुने, जैसे कि एलोपैथिक जो इलाज करवाते हैं डॉक्टरों से, तो वो यही बोलेंगे आपको कि PCOD का कोई इलाज नहीं है, हमको वो टेल द लाइफ सफ़र करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे इलाज हैं PCOD के भी और बिकॉज के भी, कुछ आयुर्वेदिक तरीके से, कुछ होम्योपैथिक तरीके से। हाँ, लेकिन एलोपैथिक तरीके से शायद ही मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अपने पीरियड को कंट्रोल करना पड़ता है, उसे साइकिल में लाना पड़ता है, जिसके लिए हमें बहुत सारे पिल्स लेने पड़ते हैं और उन पिल्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अगर मैं साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जो हम खाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा PCOD ठीक हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली में वो ठीक हो रहा है? उसके भी आपको अपनी बॉडी में ही दिख जाएंगे जो भी सिम्टम्स होंगे। अगर आप वेट गेन कर रहे हो बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब अभी भी आपका PCOD ठीक नहीं हो रहा है। आपको एक्ने हो रहा है, अनवांटेड फेशियल हेयर हो रहा है, आपको अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है। मूड स्विंग को लेकर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, PCOD और बिकॉज की पेशेंट्स जो होते हैं उनके साथ मूड स्विंग का बहुत प्रॉब्लम होता है,
क्योंकि उनके हार्मोन इतने डिसबैलेंस होते हैं कि वो कभी भी इमोशनल हो सकते हैं, कभी भी अग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें। अब यहाँ पे ज़रूरत होती है फैमिली की सपोर्ट की, हस्बैंड की सपोर्ट की, कि वो समझे इस चीज़ को कि आप किसी चीज़ से गुजर रहे हो। आप एक बहुत मैं कहूँगी वो बहुत ही डेंजरस स्टेज होती है जहाँ पर हम आके ये सोचने लगते हैं कि हम जिस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं उसे कोई भी नहीं समझ रहा है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल फैमिली मेम्बर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हस्बैंड टू, प्लीज सपोर्ट योर वाइफ, सपोर्ट योर डॉटर, योर सिस्टर, बिकॉज PCOD इज नॉट लाइक कि बहुत बड़ी बीमारी होगी तभी हम जाएंगे किसी को सांत्वना देने के लिए। जब डॉक्टर आपको बोल देगा कि आपको इतनी बड़ी बीमारी है कि आपके पास लाइफ नहीं है जीने के, तभी आप उसका हाथ थामोगे उसको सपोर्ट करने के लिए। PCOD एक ऐसी डिसीज है जिसमें आप नॉर्मल लाइफ जीते हो। एक औरत अपने घर का सारा काम करती है, अपने बच्चों को संभालती है, सब कुछ करती है, वो बेड पर नहीं है, वो बेड रेस्ट पर नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी के अंदर इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं जिसको वो बेचारी अकेली सफर कर रही है। उसको पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, उस पीरियड्स को नॉर्मल ना आने की वजह से इतने सारे इश्यूज हो जाते हैं। उसका वेट गेन होने लगता है, उसके चेहरे पे पिंपल होने लगते हैं, उसको अनवांटेड फेशियल हेयर होने लगते हैं और इतने सारे स्किन इश्यू होने लगते हैं और अलग अलग बीमारियां भी हो जाती हैं। इंसुलिन सिस्टम बिगड़ जाता है, शुगर क्रेविंग होती है, मीठा खाने लगती है तो वेट कंट्रोल में नहीं रहता है और भूख नहीं लगती है कई बार, मूड स्विंग होता है कितनी बार, आपकी जॉइंट्स पे पेन होता है। ये तो मैं बहुत कम चीज़ें बता रही हूँ जो एक औरत सफ़र करती है जो PCOD में ऑलरेडी है और बिकॉज की पेशेंट्स हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उसकी बॉडी के अंदर हो रही है और ये सब होते हुए भी वो अपना काम बहुत ही आसानी से करके आपको दिखा रही है क्योंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर वो आपको बोलती है मेरे को मूड स्विंग हो रहा है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करते हो बदले में? आप उसके ऊपर डबल गुस्सा करते हो क्योंकि आप बेफालतू का गुस्सा समझते हो उससे बिना बात का, बिना वजह का। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी आप प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। और जितने भी PCOD पेशेंट हैं मैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि PCOD से हम निकल सकते हैं बाहर, बिल्कुल निकल सकते हैं, और इसके बहुत सारे तरीके भी हैं बिना साइड इफेक्ट के, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। और दूसरी बात ये है कि जब भी आपको कोई भी सिम्टम हो रहा है 16 या 17 ईयर से भी, तो आप उसे इग्नोर ना कीजिए। अगर आपके घर में कोई भी लड़की है जिसको पीरियड्स इरेगुलर्स आ रहे हैं या उसको वेट गेन अचानक से होने लगा है, अचानक से इन द सेंस कि PCOD में वेट गेन ऐसे होता है, अगर आपने आज एक बर्गर खा लिया तो कल शायद आपका 1 किलो वजन बढ़ जाएगा, एंड इट्स ट्रू। मतलब मैंने खुद देखा है कि 20 से 25 किलो वजन सिर्फ 4 से 5 महीने में बढ़ जाता है PCOD में। तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को ट्रैक करिए। अगर आपका वेट अचानक से बढ़ रहा है, आपके चेहरे पे एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके अनवांटेड फेशियल हेयर आ रहे हैं, आपके यहाँ ज़्यादा बाल आ रहे हैं, यहाँ ज़्यादा बाल आ रहे हैं, या कुछ और स्किन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। और आप फैमिली मेम्बर्स प्लीज़ इन चीज़ों को समझिए कि अगर कोई इंसान इतनी बड़ी और इतनी अजीबोगरीब चीज़ को फेस कर रहा है, इवन लोग नहीं जानते PCOD के बारे में जब तक उनको कोई ऐसी बीमारी का नाम ना लिया जाए जो बहुत नॉर्म है, मतलब जिसमें लोग बोलते हैं कि भगवान ना करे कि किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन जब लोग बोलते हैं किसी को कैंसर है, किसी को ऐसी बीमारी है कि वो बस उसके पास चंद दिन है, चंद महीने हैं जिंदगी, तभी लोग समझते हैं कि वो इंसान बहुत कुछ सफ़र कर रहा है। बट PCOD इज मोर डेंजरस देन दैट डिसीजेस, बिकॉज इसमें आपकी बॉडी के अंदर इतना कुछ चल रहा है, आपको जॉइंट्स में इतना पेन होता है, उसके बाद भी आप घर का सारा काम करती हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली को समझना बहुत ज़रूरी है। और अब आपकी बारी है इस PCOD और बिकॉज से लड़ने की, जिसके तरीके मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगी। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। सबसे पहले आपको टेंशन छोड़ना है और आपको अब इस PCOD से बाहर निकलना है। बहुत सारी औरतें कंसीव नहीं कर पाती PCOD की वजह से और उन्हें इनफर्टिलिटी, क्योंकि उसका जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एग्स होते हैं ओवरी में, जो एग्स जनरेट होते हैं हर महीने, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, या तो वो मेच्योर नहीं हो पाते हैं या फिर वो रिलीज नहीं हो पाते हैं। PCOD में यही होता है कि वो रिलीज नहीं हो पाते हैं, वो वहीं पे रह जाते हैं और शेड होते रहते हैं और एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं, और आपकी ओवरी में वो सिस्ट बढ़ने लग जाता है और उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाता है। बिकॉज में ये होता है कि वो एग जो होते हैं वो मेच्योर ही नहीं होते, तो वो रिलीज होने का प्रॉब्लम ही नहीं है। वो मेच्योर्ड ही नहीं हो रहे तो आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, और उसकी वजह से 6-7 महीने तक आपको पीरियड्स नहीं आते, और पीरियड्स ना आने की वजह से आपका वजन बढ़ने लगता है, आपको क्रेविंग होने लगती है,
इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगते हो और 50 बीमारियां और हो जाती हैं। तो इसलिए अब आपको इस सबसे निकलना है और इसमें आपकी फैमिली और आपके नियर एंड डियर्स का सपोर्ट चाहिए, ना कि डोंट, जो कि आपको कई बार आपके फ्रेंड्स भी बोल देते हैं कि आप मोटे हो रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपका चेहरा कैसे हो रहा है, बाल कैसे हो रहे हैं, हेयर फॉल, लोगों का स्कैल्प दिखने लग जाता है 22 की एज में। वो बेचारे इतना ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके नियर एंड डियर ही नहीं समझ रहे कि वो किस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गाइस, सपोर्ट योर फैमिली, सपोर्ट योर फैमिली मेम्बर हु आर सफरिंग दिस वेरी डेंजरस एंड वेरी डिफिकल्ट स्टेज ऑफ PCOD, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू बेयर, रियली ट्रस्ट मी, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है इस बीमारी के साथ अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना। बट हैट्स ऑफ टू दोज लेडीज, फीमेल एंड गर्ल्स हु आर डूइंग दिस वेरी वेल। सो टेक केयर गाइज, टिल देन आई एम अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद दोज योर फ्रेंड्स हु आर रियली वॉन्ट टू, यू नो, वॉन्ट टू लीड दिस